हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू प्रेप आई एस मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द करंट अफेयर्स ऑफ नाइन्थ अगस्त शुरू करें उससे पहले एक अनाउंसमेंट फ़र्स्ट टाइम ऑन यूट्यूब हम लाए हैं आपके लिए कॉम्प्रहेंसिव करंट अफेयर्स कोर्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 तो यहाँ पे जुलाई 2020 से लेके जून 2021 तक के सारे करंट अफेयर्स एक साथ यहाँ पे कवर किए जाएंगे टॉपिक वाइज मैराथन लेक्चर्स होंगे उसके बाद डाउट सॉल्विंग सेशनस होंगे और मॉक टेस्ट भी होंगे सारे फैकल्टीज काफ़ी एक्सपीरियंस हैं एंड अगर आप इस कोर्स को अवेल करना चाहते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है आपको सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है सो विद दिस आगे बढ़ते हैं पहले टॉपिक्स देख लेते हैं आज के तो देखो जी एस वन में आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री दोनों टॉपिक्स से रिलेट करता है ये टॉपिक नेशनल फ्लैग तो नेशनल फ्लैग न्यूज़ में क्यों था और नेशनल फ्लैग की पूरी हिस्ट्री जानेंगे देन जी एस टू में गवर्नेंस में से प्रीजेंट रिफॉर्म्स के बारे में जानेंगे प्रीजेंस की कंडीशन को लेकर सी जी आई जो हमारे हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कंसर्न शो किया है तो इसीलिए प्रीजेंट रिफॉर्म्स के बारे में समझेंगे देन पॉलिटी में कास्ट सेंशस को देखेंगे हेल्थ में कोविशील्ड एंड कोवैक्सिन के मिक्स को देखेंगे तो इन दोनों के मिक्स को लेकर एक सर्वे जारी किया है आईसीएमआर सी एम ने तो ये सर्वे क्या कहता है वैक्सीन्स क्या होती हैं वैक्सीन के टाइप क्या होते हैं ये सब देखेंगे देन जी एस थ्री में इकोनॉमी में एजिंग आउट इंडियाज कोल प्लांट्स तो ये एक एडिटोरियल आया था द हिंदू में दिस इज अबाउट द कोल प्लांट्स ऑफ इंडिया जो पुराने हो गए हैं और उन्हें शट डाउन करने की बात चल रही है उसके बारे में ये पूरा एडिटोरियल है जी एस फोर में नथिंग फॉर टुडे सो टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी सक्सेस लाइज इन एफर्ट्स नॉट इन विक्ट्री फुल एफर्ट्स मीन्स फुल विक्ट्री तो ये महात्मा गांधी जी का कोट है इसमें ये कहा गया है कि सक्सेस आपकी एफ़र्ट्स डिसाइड करते हैं विक्ट्री से आपकी सक्सेस का कोई लेना देना नहीं है सो वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी जस्ट मेक श्योर कि आप अपने एफ़र्ट्स सारे डाल रहे हैं डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट क्योंकि रिजल्ट के बारे में सोचोगे तो कई बार ऐसा होता है कि डिमोटिवेशन हो जाता है और कई बार ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है तो बी न्यूट्रल अबाउट योर रिजल्ट जस्ट फोकस ऑन वॉट यू हैव टू डू वट एफर्ट्स यू हैव टू मेक सो विद दिस पॉजिटिविटी लेट्स स्टार्ट Covishield Covaxin mix gives better protection says ICMR तो आई का ये कहना है कि 18 लोगों का उन्होंने सर्वे किया है और उसमें ये देखा गया है कि जिन लोगों को एक डोज कोविशील्ड का लगा है और दूसरा डोज को वैक्सीन का लगा है वो लोगों में इम्यूनिटी ज़्यादा डेवलप हुई है रैदर देन दो लोग उन लोगों से जो जिनको एक ही डोज दो बार लगा है ठीक है तो देखो इसमें क्या कहा गया है कि काउंसिल ने ये पाया है कि एटीन लोगों को ऐसे डोसेज लगे हैं और ये डोसेज़ जो अलग अलग लगे हैं ये ना सिर्फ सेफ पाए गए हैं इनकी इम्यूनिटी इवन बेटर पाई गई है इनकी इम्यूजनाइजेशन पावर और ज़्यादा पाई गई है ठीक है तो देखो इंडिया में दो वैक्सीन स्टार्टिंग में आई थी एक थी कोविशील्ड ठीक है जो किसकी थी एक्स्ट्राजेनेका की थी और दूसरी थी कोवैक्सीन जो हमारी इंडिजीनियस पूरी तरह से इंडिजीनियस वैक्सीन थी ये दोनों वैक्सीन हैं ठीक है इनिशियली ये कहा गया था कि होमोजेनस अप्रोच हम फॉलो करेंगे ठीक है होमोजेनस अप्रोच तो इसमें हमने देखा था कि होमोजेनस प्राइम बूस्टर अप्रोच हम यहाँ पे फॉलो कर रहे थे यानी कि जिसको पहली वैक्सीन जो लगी है अगली वैक्सीन भी वही लगेगी इनफैक्ट डब्ल्यू एच ओ ने भी ये कहा था कि जो लोग भी वैक्सीन लगा रहे हैं वो इसी अप्रोच को फॉलो करें क्योंकि जो दूसरी अप्रोच है हाइट्रोजेनस अप्रोच है जिसमें अलग अलग वैक्सीन लगा सकते हैं आप वो अभी तक उसके कॉन्सिक्वेंसेस प्रूवन नहीं है इसलिए डब्ल्यू एच ओ ने भी ये वार्निंग दी थी कि सभी लोग होमोजेनस अप्रोच फॉलो करें लेकिन कुछ लोगों को यूपी में स्पेशली 18 लोगों को अलग अलग डोसेज लग गए तो इनके ऊपर सर्वे किया गया और ये पाया गया कि यह ना सिर्फ सेफ़ है और इसकी इम्यूनिटी पावर भी बेटर है ठीक है तो देखो जो ये लोग थे 18 लोग जिनको ये अलग अलग वैक्सीन लगी जिसके ऊपर ये सर्वे बना तो देखो ये सर्वे एक तरह से इस और भी इशारा करता है कि जब भी हमारे पास किसी एक वैक्सीन का शॉर्टफॉल हो जाए शॉर्टेज हो जाए तो हम इस अप्रोच को यूज़ कर सकते हैं लेकिन आई ने ये कहा है कि अभी भी सभी लोगों को होमोजेनस अप्रोच ही अपनानी है क्योंकि एटीन लोगों का सर्वे बहुत कम होता है अभी भी इसको वेरीफाई करने की और ज्यादा ज़रूरत है ठीक है तो ये याद रखना और एक चीज़ और मैं बता दूँ कि यहाँ पे ये जो एटीन लोग हैं जिनको अलग अलग वैक्सीन लगी है उसमें यह देखा गया है कि यह डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट भी बेटर इम्यूनिटी दिखा रहे हैं ठीक है पर इसका मतलब यह नहीं कि हम भी अलग अलग शॉट्स लगवाएं आईसीएमआर ने क्लियरली ये कहा है कि अभी आप लोगों को इसी अप्रोच को फॉलो करना है होमोजेनस अप्रोच को यानी पहला डोज जिसका लगा है अगला डोज भी उसी का लगना चाहिए ओके okay, अब देखो वैक्सीन्स की बात कर रहे हैं तो देखो चार तरह की वैक्सीन्स होती हैं कौन कौन सी लाइव अटेनुएटेड इनएक्टिवेटेड सब यूनिट रिकॉम्बिनेटन पॉलीसेक्राइड एंड कॉन्जुगेड वैक्सीन और टॉक्सोइड वैक्सीन एक एक वैक्सीन समझाती हूँ देखो लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन्स कौन सी होती है ये वो वैक्सीन होती हैं जिसमें वीकेंड जर्म होता है वीकेंड बट लाइव ठीक है तो जो भी जर्म कोई डिसीज कॉज करता है जैसे कि इस केस में कोरोना वायरस तो जो वायरस है वो वायरस जो है उस उसको लाइव लेकिन वीकन करके अटेनुएट करके उसकी पावर्स को फिर इंजेक्ट किया जाता है ह्यूमन बॉडी में इससे क्या होता है कि जो इम्यूनिटी डेवलप होती है वो ज़्यादा स्ट्रांगर होती है बाकी तीनों में जो इम्यूनिटी जनरेट होती है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी लाइव अटेनुएटेड में होती है क्योंकि वो एक तरह का नेचुरल इन्फेक्शन आप डाल रहे हो कम मात्रा में इन द बॉडी ओके पहली चीज़ तो ये दूसरी चीज़ ये कि इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं वो लोग जिनकी इम्यूनिटी पावर कम है जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है जो लॉन्ग टाइम से किसी डिसीज़ से गुजर रहे हैं उनके लिए ये वैक्सीन सूटेबल नहीं है क्योंकि उनके ऊपर उल्टा असर भी कर सकती है ठीक है दूसरी चीज़ ये कि इन वैक्सीन्स को कूल cool टेम्परेचर में रखना पड़ता है कूल cool इन्वयरमेंट में रखना पड़ता है तो वो कंट्रीज़ जहाँ पे लिमिटेड एक्सेस है रेफ्रिजरेटर्स का उन कंट्रीज़ के लिए ये लाइव अटेवेटेड वैक्सीस सही नहीं है ठीक uh, है अब लाइव अटेनटेड वैक्सीन हालांकि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉगर इम्यूनिटी देती हैं लेकिन कौन कौन से डिसीजेज में इसको यूज़ किया जाता है तो देखो इसको यूज़ किया गया है मम्स में रोबेला में ठीक है रोटा वायरस में उसके अलावा स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स इन सब में लाइव अटेनिटेड वैक्सीन को यूज़ किया जाता है ठीक है देन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन तो देखो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में क्या होता है ना कि आप यूज़ कर रहे हो जर्म को लेकिन आपने उसको किल कर दिया है ठीक है तो वो लाइव नहीं है वो किल्ड जर्म है जो डर्म जर्म जो है वो डिसीज करता है जैसे यहाँ पे वायरस तो इस वायरस को किल करके हमने इंजेक्ट किया है बॉडी में इससे क्या होता है इम्यूनिटी जनरेट होती है लेकिन वो इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी लाइव टेन्यूटेड वैक्सीन की होती है ठीक है तो यहाँ पे आपको बूस्टर शॉट्स की जरूरत पड़ सकती है और राइट right. और इसको हम यूज़ करते हैं कई सारी वैक्सीन कई सारी जगह पे जैसे हेपेटाइटिस बी सॉरी हेपेटाइटिस ए में हम इसको यूज़ करते हैं ठीक है फिर बात करते हैं सब यूनिट रिकॉम्बिनेटेड पॉलीसेकेराइड एंड कॉन्जुगेट वैक्सीन अब देखो इसमें नाम से आपको समझ आ रहा होगा ये सब यूनिट सब यूनिट मतलब कुछ पार्ट हम इसका यूज़ करेंगे तो मान लो सब यूनिट वैक्सीन कौन सी होगी जैसे कि कोई जर्म है ठीक है इस जर्म का एक पार्ट लिया हमने जैसे इसका प्रोटीन इसका शुगर इस तरह से हमने इस जर्म का एक पार्ट कोई इंजेक्ट किया है किसी की बॉडी में तो यहाँ पे क्या होगा इम्यूनिटी किसके अगेंस्ट जनरेट होगी पूरे जर्म के अगेंस्ट नहीं उस टारगेटेड पार्ट की तरफ ही यहाँ पे इम्यूनिटी जनरेट होगी तो ये टारगेटेड इम्यूनाइजेशन होता है और इसको आप किसी को भी दे सकते हो इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि, कि किसकी इम्यूनिटी ज़्यादा है या किसकी इम्यूनिटी कम है लेकिन यहाँ पर बूस्टर शॉट्स की ज़रूरत पड़ेगी ओके बूस्टर शॉट्स की ज़रूरत यहाँ पर आपको पड़ेगी इसको हम यूज़ कर सकते हैं हेपेटाइटिस बी में ठीक है इस तरह के डिसीजेज़ में इसको यहाँ यूज़ किया जाता है और right, इसके बाद टॉक्सॉइड वैक्सीन्स की बात करें तो टॉक्सॉइड वैक्सीन वो होती हैं जैसे कि मान लो कोई जर्म है ये जर्म कोई डिसीज़ कॉज करता है अब वो डिसीज़ किसके थ्रू होता है पहले ये एक टॉक्सिन क्रिएट करता है इस टॉक्सिन के थ्रू ये डिसीज होता है तो हम क्या करेंगे इस टॉक्सिन को जनरेट करके जर्म के थ्रू इस टॉक्सिन को जनरेट करवाएंगे और इस टॉक्सिन को हम इंजेक्ट करेंगे तो क्या होगा इस जर्म के अगेंस्ट नहीं यहाँ इम्यूनिटी जनरेट हो रही है इस टॉक्सिन के अगेंस्ट इम्यूनिटी जनरेट हो रही है इसीलिए इसको टॉक्सॉइड वैक्सीन कहते हैं ठीक है अब इसके लिए डिपथेरिया डिपथेरिया जैसे डिसीजेज होते हैं टिटनेस की जो इंजेक्शन होती है वो भी इसी पे काम करती है टॉक्सोइड वैक्सीन्स पे तो ये चारों वैक्सीन के टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है पता होना चाहिए प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ठीक है सीधा क्वेश्चन आ सकता है और देखो कोविड तो चल ही रहा है अभी भी तो इसीलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की देखो ये ऑल दो एक एडिटोरियल नहीं है लेकिन मैंने इसको कॉम्प्रहेंसिवली ही कवर किया है एडिटोरियल के पर्सपेक्टिव से ही ठीक है तो यहाँ पे सीजीआई जो है हमारे उन्होंने ये कहा है कि ह्यूमन राइट्स बहुत ज़्यादा रिस्क पे हैं पुलिस स्टेशन पे कैसे देखो इसमें कहा गया है कि पुलिस स्टेशन में बहुत ज़्यादा वायलेशन होता है ह्यूमन राइट्स का और यहाँ पर जो है थर्ड डिग्री टॉर्चर दिया जाता है जो इनमेट्स होते हैं और जो ट्रायल्स होते हैं उनको थर्ड डिग्री टॉर्चर दिया जाता है और उनकी ह्यूमन राइट्स जो कि सैक्रोसेंट है उनको यहाँ पे बहुत बुरी तरह से वायलेट किया जाता है तो यहाँ पे ये कहा गया है कि बॉडीली इंटीग्रिटी और ह्यूमन राइट्स दोनों का बहुत ज्यादा वायलेशन होता है पुलिस स्टेशन में ओके अब यहाँ पे कस्टोडियल टॉर्चर की भी बात की गई है पुलिस एट्रोसिटीज़ की भी बात की गई है यानी कि कस्टडी में जो टॉर्चर होता है या पुलिस जो आ, अत्याचार करती है इनमेट्स पे उसकी बात की गई है यहाँ पे और तो यहाँ पे ये भी कहा गया है कि यहाँ पे ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इफेक्टिव लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता जैसे प्रीजन में कोई एडवोकेट काम नहीं करता ना प्रीजन के अंदर चले गए तो फिर एडवोकेट काम नहीं करता तो कोई लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं है इसीलिए इतना ज्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन होता है प्रीजन

Presence जो हैं सबसे पहली चीज प्रीजन्स जो हैं ये आते हैं स्टेट लिस्ट में ओके okay. <coughs> ये आपको पता होना चाहिए अब प्रीजन में क्या क्या इश्यूज होते हैं सबसे पहला तो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है इसके बाद प्रीजन्स में जो हेल्थ है वो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं ध्यान रखा जाता प्रीजन की हेल्थ का अब यह समझ में आना चाहिए हमको कि प्रीजन हेल्थ पब्लिक हेल्थ ही होती है तो प्रीजन हेल्थ से पब्लिक हेल्थ अफेक्ट होगी इसलिए प्रीजन हेल्थ को भी ध्यान देने की जरूरत है जो कि नहीं दिया जाता ओवरक्राउडेड प्रीजन होते हैं इसमें देखा गया था कि लगभग 67 परसेंट जो प्रिजनर्स होते हैं ये अंडर ट्रायल्स होते हैं मतलब कि जिनका अभी तक जो दोष उनके ऊपर लगा हुआ है जो अक्यूजेशन लगा हुआ है वो प्रूव ही नहीं हुआ है ऐसे लोग 67 परसेंट भरे हुए हैं प्रीजन्स के अंदर इसीलिए तो ओवर क्राउडिंग हो रही है उसके बाद अंडर ट्रायल्स बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं जैसे कि मैंने बताया कस्टोडियल वायलेंस बहुत होता है कस्टडी के अंदर जो इनमेट्स हैं उनके बीच में वायलेंस जो पुलिस वाले हैं जो प्रिजनर ऑफिशल हैं प्रिजन ऑफिशल उनके और इनमेट्स के बीच में वायलेंस ये सब बहुत जाता है। इसके बाद न्यूट्रिशन यहाँ पे बहुत पुअर होता है सैनिटेशन का कोई प्रॉपर जरिया नहीं होता फ्रेश एयर का कोई एक्सेस नहीं होता और एक्सरसाइज भी अनअवेलेबल होती है तो उनको खुद की जो बॉडीली इंटीग्रिटी है वो भी यहाँ पे सुरक्षित नहीं रह पाती एम्प्लॉयमेंट के प्रोस्पेक्ट्स ख़त्म हो जाते हैं मतलब एक बार आप जेल से निकल के आए भले ही आप अंडर ट्रायल की तरह रहे हो जेल में आप जेल से निकल के आए तो आपको एक तरह से सोशली एक्सक्लूड कर दिया जाता है इकोनॉमिकली एक्सक्लूड किया कर दिया जाता है और एम्प्लॉयमेंट के ही प्रोस्पेक्ट नहीं बचते तो इंसान कैसे लाइवलीहुड करेगा जिएगा अपनी कैसे उसको लाइवलीहुड मिलेगा और कैसे आगे अपनी लाइफ को वो जिएगा और उसके अलावा पावर्टी भी एक इशू है देखो जो लोग पुअर क्लास से आते हैं ठीक है उनके पास पैसा ही नहीं होता बेल का लॉयर्स का तो उनके जो लोग होते हैं वो अंडर ट्रायल्स की तरह ही अपना लाइफ काट देते हैं पूरे प्रिजन्स में तो ये भी एक इशू है ठीक है अब इसमें ये देखो आपने अगर वो वेब सीरीज़ देखी होगी क्रिमिनल जस्टिस ये वेब सीरीज अगर आपने देखी होगी तो इसमें आपको पता चलेगा कि प्रीजेंस की हालत कितनी ख़राब है ठीक है तो इसमें बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है कि यहाँ पे प्रीजन्स की हालत कितनी ख़राब है आई ओंट सजेस्ट कि आप अभी जाके देखो बट आपने देखी हो तो जस्ट रिलेट टू इट ओके अब यहाँ पे देखो यहाँ पे वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है तो देखो इसमें एक चीज़ है कि यहाँ पे हमें रेट्रीब्यूटिव नहीं हमें रीहेबिलिटेटिव अप्रोच अपनाना चाहिए ठीक है हमको करेक्शन करने की ज़रूरत है यहाँ पे ऐसा नहीं कि हमें बिल्कुल पनिश ही करना है हमें उस पर्सन में करेक्शन लाने की ज़रूरत है इस तरह से प्रीजन्स को डिज़ाइन करने की ज़रूरत है यहाँ पे वैकेंसीज़ को फ़िलअप करने की ज़रूरत है ठीक है अगर वैकेंसीज़ फ़िलअप होंगी तो काम अच्छे से होगा जेल्स में प्रिजेंस में उसके अलावा जो एन काम करते हैं रिहेबिलिटेशन है के लिए प्रीजनर्स के उन एन को फाइनेंशियल असिस्टेंस पहुँचाने की ज़रूरत है देन अगर कोई माइनर ऑफेंसेज हैं रिलेटिवली माइनर ऑफेंस करने वाला पर्सन है तो कोशिश करें कि उसको प्रीजन में ना भेज के कम्युनिटी बेस्ड अट्टरनेटिवस में भेजें ठीक है तो कम्युनिटी बेस्ड अल्टरनेटिव बनाने चाहिए कि जजेस भी कम्युनिटी के अंदर उनको इस तरह से पनिश करें कि उनका करेक्शन हो ठीक है ना कि वो और ज्यादा उनकी जो मेंटल स्टेट है वो और ज्यादा बिगड़ जाए ठीक है फिर इसके बाद क्वालिफाइड क्वालिफाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स को कंटिन्यूसली लाइक फ्रीक्वेंटली चक्कर लगाने चाहिए कि कैसी क्या कंडीशन है वहां पर देन मेंटल हेल्थ भी इसमें आती है ठीक है मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना इनमेट्स की बहुत ज्यादा जरूरी है प्रीजन की जेल प्रीजन और जेल्स की ओवर क्राउडिंग को कम करने के लिए एक कमीशन बनाई जानी चाहिए जिसका रेगुलर टर्म्स पे मीटिंग होनी चाहिए और रेगुलर टर्म्स पे वहाँ पे इंस्पेक्शन भी होना चाहिए ओके okay. इसके अलावा साइंटिफिक मेथड का यूज़ करना ज़्यादा अच्छा है इन्वेस्टिगेशन के लिए रैदर देन यूजिंग द थर्ड डिग्री टॉर्चर क्योंकि थर्ड डिग्री टॉर्चर इज स्ट्रेट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ओके देन अगर कोई पर्सन डिटेन किया है आपने किसी पर्सन को रॉन्गफुली या फिर उसको इंजरीज आई हैं फॉर द निग्लीजेंस ऑफ प्रीजन पर्सन

नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देखो यहाँ पे जो समाजवादी पार्टी के लीडर हैं अखिलेश यादव इन्होंने कहा है कि अगर हम 2022 में यूपी में पावर में आते हैं तो हम कास्ट सेंशस कराएंगे यूपी का ठीक है तो हमारे लिए पॉलिटिकल चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये कास्ट सेंशस क्या होता है ठीक है तो देखो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सेंशस है हमारे यहाँ पे कब सस्टमेटिकली स्टार्ट हुआ था 1881 में इससे पहले भी हुआ था एक 1872 वाला लेकिन उसको सिस्टमेटिक नहीं माना जाता सबसे पहला 1881 में हुआ था इसके बाद हर 10 साल में ये सेंसस होता है तो ये याद रखना कि 1881 से जो सेंसस स्टार्ट हुआ था 1931 तक इसमें कास्ट सेंसस भी होता था मतलब कास्ट की जानकारी भी अलग से दी जाती थी नाइनटीन के बाद नहीं हुआ ये कास्ट सेंसस और नाइनटीन से लेकर आज तक यानी टू तक जो सेंसस हुए हैं इसमें जो भी प्रोविजन थे वो एससी और एसटी के लिए थे और किसी कास्ट के लिए नहीं थे यानी कि ओबीसी वगैरह के लिए कोई यहाँ पे प्रोविजन नहीं था तो यहाँ पे कम्युनिटीज़ की जानकारी दी जाती थी लेकिन इकोनॉमिक ओके okay, तो कास्ट सेंसस यहाँ पे नहीं हुआ था लेकिन जो सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था 2011 का उसमें कहा जाता है कि ये पहला कास्ट सेंसिस था आफ्टर 1931 तो देखो 1931 में आखिरी कास्ट सेंसस हुआ था उसके बाद माना जाता है कि ये सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो 2011 का है ये पहला कास्ट सेंसस था आफ्टर 1931 लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है ये जो सेंसिस हुआ था सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस देखो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस तो आपको इससे समझ आ रहा होगा कि इसमें क्या क्या है सबसे पहली चीज़ तो सोशल और इकोनॉमिक कंडीशंस बताई गई है अलग अलग कम्युनिटीज की तो दो कंपोनेंट्स हैं पहला तो ये कि रूरल और अर्बन हाउस के बारे में इसका सर्वे है पहला तो ये है ठीक है और दूसरा है इसमें कास्ट सेंशस भी है तो अभी जो है अभी सिर्फ पहला वाला रिलीज़ किया गया है कास्ट सेंशस तब से टू से लेके अभी तक इसका कास्ट सेंशस वाला पार्ट रिलीज़ ही नहीं किया गया है ठीक है तो ये याद रखना और जो पहला वाला है ना रूरल अर्बन हाउस वाला ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हमको गवर्नमेंट स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना होता है ठीक है क्योंकि कई बार आपने स्कीम्स में देखा होगा कि स्टेट आइडेंटिफाई करता है कि बेनीफिशरीज कौन होंगे और डिसाइड करता है स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ सोशो कि रूरल और अर्बन एरियाज में इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है सोशल कंडीशन कैसी है लोगों की उस बेसिस पे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करती है कि किसको बेनिफिट मिलेगा गवर्नमेंट स्कीम का और किसको नहीं मिलेगा तो डिफरेंस क्या है सेंशस और सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसिस में तो देखो सेंशस जो है ये इंडियन पॉपुलेशन का पूरा पिक्चर देता है कि इंडियन पॉपुलेशन कैसी है कितना क्या डायनामिक है इसके ठीक है क्या, क्या इसके स्टैटिस्टिक्स हैं इंडियन पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो है ये बेनिफिशियरीज को डिसाइड करता है आइडेंटिफाई करता है जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया इसके अलावा जो सेंसस है ये सेंसस एक्ट के अंतर्गत आता है ठीक है 1948 का सेंसस एक्ट है इसमें जो भी डाटा है वो कॉन्फिडेंशियल होता है ठीक है जबकि जो, जो सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है उसमें डाटा कॉन्फिडेंशियल नहीं होता क्योंकि उसी के बेसिस पे तो स्टेट गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करेगी किसको बेनिफिट देना है किसको नहीं देना है तो जो सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है इसमें पर्सन पर्सनल इन्फॉर्मेशन का जो एक्सेस है वो गवर्नमेंट के पास भी रहता है सो दैट बेनिफिट्स दिए जा सकें हाउस होल्ड्स को तो ये आपको सब पता होना चाहिए कास्ट सेंसस मैंने आपको बताया यहाँ पे ठीक है एटीन से नाइनटीन तक कास्ट सेंसस होता था नाइनटीन थर्टीटी uh, से टू के बीच में सिर्फ एस सी का प्रोविजन होता था कि इनके बारे में अलग से बताया जाता था और कोई कास्ट के बारे में नहीं बताया जाता था अभी जो सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ है इसमें पहली बार कास्ट सेंसस का प्रोविजन रखा गया था ये सेकंड वाला लेकिन अभी तक कास्ट सेंसस रिलीज नहीं हुआ है ठीक है तो ये पूरा इशू था अब देखो दो क्वेश्चंस है आपके लिए यहां पे सो so दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा डेवलप हो जाए इसमें पहला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स every census in independent india from 1931 to 2011 has published data on scheduled caste scheduled tribes but not on other castes तो जितना भी सेंसस हुआ है अभी तक इंडिपेंडेंट इंडिया में 1931 से लेकर 2011 तक उन्होंने हमेशा एससी और एसटी के बारे में बताया लेकिन किसी और कास्ट के बारे में नहीं बताया ये सही स्टेटमेंट है ठीक है देन सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस ऑफ 2011 वाज द फर्स्ट कास्ट बेस्ड सेंसस सिंस 1931 सेंसस ऑफ इंडिया तो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो है टू का ये नाइनटीन के बाद पहला कास्ट सेंसस है ठीक है तो ये सही है अच्छा एक चीज मैं बता दूं ये पहला स्टेटमेंट गलत है क्यों इसमें 1931 से 2011 तक का बोला गया है मैंने क्या बताया 1881 से लेकर 1931 तक तो इसमें ऐसा प्रोविजन था कि कास्ट का सेंसस होगा लेकिन 20 साल के लिए यहाँ पे गैप आ गया फिर 1951 से 2011 तक जो सेंसस हुआ उसमें एस सी एस टीज का प्रोविजन था तो यहाँ पे नाइनटीन थर्टी वन से टू थाउजेंड इलेवन कहा गया है इसलिए गलत होगा अगर यहाँ ये चीज़ होती नाइनटीन फिफ्टी वन से टू थाउजेंड इलेवन तक तो ये सही होता तो पहला स्टेटमेंट

मिनिस्ट्री ऑफ होम जो है ये रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द सेंसिस ओके तो होम मिनिस्ट्री यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होती है सेंसिस के लिए याद रखना तो यहाँ पे ओनली वन विल बी द करेक्ट ऑप्शन तो ये दोनों क्वेश्चन uh, बहुत इंपॉर्टेंट लगे मुझे क्लैरिटी के लिए इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं ओके देन हमारा आज का एडिटोरियल देखो रिविज़िट विजिट द आइडिया ऑफ एजिंग आउट इंडियाज कोल प्लांट्स तो इंडिया के कोल प्लांट्स जो एज हो रहे हैं जिनके 25 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं उनको एज आउट करने की बात की गई है उन्हें शट डाउन करने की बात की गई है तो देखो जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर थी उन्होंने यूनियन बजट में ये कहा गया था कहा था कि ट्वेंटी फाइव ईयर से ज़्यादा जो पुराने थर्मल पावर प्लांट्स हैं कोल्ड पावर प्लांट्स हैं उनको हम शट डाउन कर देंगे ये कहा था तो उसके बारे में ये पूरा एडिटोरियल है ये उन्होंने कहा था फाइनेंस मिनिस्टर ने टू अचीव द आई एन टी सी यानी कि इंडिया नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन ये क्या है देखो ये कुछ टारगेट्स हमने सेट किए थे 2015 में 2015 में एक पेरिस क्लाइमेट पैक्ट हुआ था ठीक है पेरिस क्लाइमेट पैक्ट हुआ था जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि हर कंट्री अपनी अपनी तरफ से वॉल्टरली कुछ कंट्रीब्यूशन करेगी सो दैट क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके उसमें इंडिया ने जो टारगेट सेट किए गए थे उसको कहते हैं कहते हैं आई एंड डी सी इंडिया नेशनली डिटर्माइंड कॉन्ट्रीब्यूशन इसको अचीव करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम अब जो पुराने थर्मल पावर प्लांट्स हैं कोल्ड पावर प्लांट्स हैं उनको बंद करेंगे इसके एनवायरमेंटल बेनिफिट्स बहुत होंगे क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है वो रुक पाएगा क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे गैसेस एमिट होती हैं इफ़िशंसी इंप्रूव हो पाएगी ठीक है कोल का जो यूसेज है वो कम होगा क्योंकि देखो पुराने जब भी आप देखते हो कोई भी मशीन कोई भी गाड़ी भी देखोगे गाड़ी पुरानी होती है तो ज़्यादा पेट्रोल पीती है ठीक है इनिशियली एवरेज बहुत अच्छा मिलता है लेकिन बाद में उसका जो एवरेज है वो कम होता जाता है उसी तरह से कोल प्लांट्स का भी होता है कोल का यूसेज ज़्यादा होने लगेगा और इफ़िशंसी कम होने लगेगी ओल्ड प्लांट्स में ठीक है तो इसीलिए लिए यहाँ पर अगर हम इनको बंद कर देते हैं तो कोल का यूसेज भी घट जाएगा इफिशियंसी भी बढ़ जाएगी और कॉस्ट सेविंग भी होगी लेकिन अच्छा एक चीज़ और कि ये जो ओल्ड प्लांट्स हैं इनको हम कंटिन्यू कर लेते अगर इनका जो पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगाना इनमें इकोनॉमिक होता तो अभी अगर हम इनमें ये पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाएगा जो ओल्ड प्लांट्स जिसको झेल नहीं पाएंगे ठीक है इसके अलावा अब देखो इसमें कुछ पॉजिटिव्स भी बताए गए हैं ओल्ड प्लांट्स के कि हम क्यों हमें क्यों इसे बंद नहीं करना चाहिए तो पहला इन्होंने बताया कि इधर जनरेशन कॉस्ट बहुत कम रहता है लो जनरेशन कॉस्ट रहता है क्यों क्योंकि देखो जैसे सिंगरौली में एक एक प्लांट है। में एक प्लांट है, में एम पी यूपी के एरियाज में प्लांट्स प्लांट्स हैं। ये जो है ना ये बहुत पास में है कोल रिसोर्सेज के तो जहां पे कोल मिलता है रिसोर्सेज है जहाँ पे नेचुरल उसी के जस्ट पास में ये कोल प्लांट है इसीलिए इनका जनरेशन कॉस्ट कम होता है क्योंकि इनका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी कम हो जाता है और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जहाँ पे आज भी पॉल्यूशन कंट्रोलर्स लगाना वायबल है ठीक है तो इन प्लांट्स को हमें बंद नहीं करना चाहिए यह कह रहे हैं ऑथर तीसरी चीज़ ये कहा है कि ओल्ड थर्मल कैपेसिटी जो है देखो जो पुराने प्लांट्स हैं उनमें कैपेसिटी बनी हुई है अब अगर आप उनको बंद करके नए प्लांट्स खोलोगे तो इमीजिएटली आप इतनी ज़्यादा सप्लाई कहाँ से लाओगे इतनी कैपेसिटी कहाँ से लाओगे तो ये चीज़ भी है ठीक है अच्छा एक चीज ये भी कहा गया है यहाँ पर कि लगभग ट्वेंटी जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं हमारे इंडिया में वो पच्चीस सालों से पुराने

ओके okay, तो कुल cool मिला के बस इतना सा इशू था जिसको इतना बड़ा करके बताया गया है मैंने शॉर्ट में आपको समझा दिया है right, अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट इशू की नेशनल फ्लैग तो देखो नेशनल फ्लैग न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि इसमें सेंटर ने डायरेक्शंस दिए हैं स्टेट को कि स्टेट ऐसे प्रोविजन्स बनाए ऐसे डायरेक्शंस दे अपने सिटीजन्स को कि प्लास्टिक का नेशनल फ्लैग कोई यूज़ नहीं करेगा फिफ्टीन अगस्त को तो इंडिपेंडेंस डे पे पेपर का या क्लॉथ का आप यूज़ कर सकते हैं नेशनल फ्लैग लेकिन प्लास्टिक के नेशनल फ्लैग को यूज़ नहीं करेगा और ये भी कहा है कि इसको डिस्पोज करने के लिए भी प्रोविजंस और व्यवस्थाएं बनाई जाए अब देखो नेशनल फ्लैग के बारे में समझ लेते हैं ठीक है नेशनल फ्लैग सबसे पहले तो आपको पता होगा किसने डिज़ाइन किया था पिंगाली वेंकैया ने जो एक इंडियन फ्रीडम फाइटर थे इन्होंने इसको डिज़ाइन किया था पिंगाली वेंकैया ने बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना इसको जो कॉन्स्टिट्यून असेंबली ने अडॉप्ट किया था वो अडॉप्ट किया था ट्वेंटी सेकेंड जुलाई नाइनटीन फोर्टी सेवन को दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ट्वेंटी सेकेंड जुलाई नाइनटीन फोर्टी सेवन को इसको अडॉप्ट किया गया था ठीक है इसके ऊपर एक अडॉक कमेटी भी बनी थी नेशनल फ्लैग के ऊपर जो कि बनाया जिसको हेड किया था राजेंद्र प्रसाद जी ने और 51 आर्टिकल में 51 ए में पार्ट फाइव फोर ए में जिसमें हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताई गई हैं उसमें ये भी बताया गया है इस फंडामेंटल ड्यूटीज में से एक फंडामेंटल ड्यूटी ये कहती है कि नेशनल फ्लैग को आपको हमेशा ही रिस्पेक्ट करना है ठीक है नेशनल फ्लैग को आपको हमेशा रिस्पेक्ट करना है आप इसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते और इसके लिए एक लॉ भी है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट ऑफ 1971, तो ये जो एक्ट है इसके अंतर्गत ये कहा गया है कि अगर कोई भी पर्सन नेशनल फ्लैग को नेशनल एंथम को कॉन्स्टिट्यूशन को डिसरिस्पेक्ट करता है तो उसको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा किससे इलेक्शंस लड़ने से ना वो पार्लियामेंट के इलेक्शन लड़ सकता है ना स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन लड़ सकता है फॉर सिक्स इयर्स तो छः सालों तक वो ना पार्लियामेंट के ना ही स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस लड़ने के लिए एलिजिबल होगा ठीक है अब देखो बहुत कम जगह ये मिलेगा आपको इवोल्यूशन ऑफ़ नेशनल फ्लैग तो मैं आपको आज इवोल्यूशन ऑफ नेशनल फ्लैग बताने वाली हूँ ओके okay. सबसे पहला नेशनल फ्लैग आया था हमारा 1906 में ये कोलकाता में फहराया गया था और देखो इसमें इस तरह से ग्रीन येलो और रेड की तीन पट्टियाँ थी जिसमें ऊपर ऐसे लोटस थे नीचे एक क्रीसेंट और एक सन था ओके ये 1906 में कोलकाता में फहराया गया था 1907 में आया ये लाए थे मैडम कामा मैडम कामा ने जर्मनी में अपने जो एग्जाइल्ड रिवोल्यूशनरीज थे उनके साथ यहाँ पे फॉरेन लैंड पे जर्मनी में इसको फहराया था इस फ्लैग को ठीक है तो ये पहला नेशनल फ्लैग था इंडिया का जिसको फॉरेन लैंड पे होस्ट किया गया था ओके okay. उसके बाद 1917 में जब होम रूल ली गई थी ठीक है होम रूल मूवमेंट आया था जिसमें एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक थे उन्होंने इस वाले नेशनल फ्लैग को फहराया था ठीक है तो ये देखो यूएस जैसा कुछ फ्लैग दिखता है और ये जो सेवन स्टार है ना ये सप्त ऋषि के कॉन्स्टिलेशन को दिखाते हैं तो ये होम रूल लीग के टाइम पे आया था देन नाइनटीन में पिंगाली वेंकैया ये वाला फ्लैग लाए थे इसमें देखो सिर्फ ये दो पट्टियां थी पहले ग्रीन और रेड वाली बाद में गांधी जी के कहने पर यह व्हाइट पट्टी एड की गई थी तो ये ग्रीन और रेड वाली क्या शो करती थी ग्रीन वाली शो करती थी मुस्लिम्स को ठीक है और रेड वाली शो करती थी हिंदूज़ को और ये रेड जो वाइट वाली पट्टी है इसको ऐड किया था गांधी जी के कहने पे जो पीस को दिखाती थी हारमोनी को दिखाती थी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स और एक चरखे को ऐड किया गया था जो सेल्फ रिलायंस को दिखाता था आगे जाके 1931 में इस फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था थोड़ा सा चेंजेस करके ऊपर नीचे करके ठीक है और यहाँ पे ऑरेंज आ गया था सेफरॉन आ गया था इंस्टीड ऑफ रेड ठीक है और बाद में जाके 1947 में इस तरह के फ्लैग को अडॉप्ट किया गया जो पिंगाली वेंकैया के डिज़ाइन से ही इंस्पायर था इसमें बस इस चरखा को ये अशोक चक्र से रिप्लेस कर दिया गया था ठीक है और ये याद रखना कि जो 1947 में अडॉप्ट किया गया था ट्वेंटी जुलाई 1947 को इसका कोई रिलीजियस बेसिस नहीं है ठीक है इसका कोई रिलीजियस बेसिस नहीं है समझ गए और ये जो सेफ्रॉन कलर है वो किसको दिखाता है ये दिखाता है करेज को वाइट दिखाता है पीस को और ग्रीन दिखाता है ऑस्पिशियसनेस को प्रोस्पेरिटी को और अशोक चक्र तो है ही जो सारनाथ पिलर से लिया गया है ठीक है तो ये आपको इसका एक इवोल्यूशन पता होना चाहिए अच्छा ये जो है कराची आ, में एक कमीशन बनी थी कराची में उसके टाइम पे 1931 में इसको लिया गया था ठीक है देन आगे बढ़ते हैं देखो जो कल मैंने क्वेश्चंस पूछे थे आई वॉज वेरी हैप्पी आप सभी ने उसको अटेम्प्ट किया इसमें से कुछ ही लोग इसका सही आंसर दे पाए थे जैसे कि मुझे जो तीन दो तीन नाम है उनका नाम मैं बता देती हूँ रश्मि ने इसका सही आंसर दिया था दीपक ने इसका सही आंसर दिया था चारों का मैं बोलूँ ठीक है चारों का बाकी सबने थोड़े थोड़े आंसर सही दिए हैं लेकिन रश्मि दीपक और करुणा सोनी थी ठीक है तो इन तीनों ने इसके सही आंसर्स दिए थे सो कॉन्ग्रेचुलेन्स टू यू आप सही चल रहे हो और बाकी भी सही चल रहे हैं ठीक है क्योंकि दीज क्वेश्चन वो बिट टफ तो ठीक है कोई बात नहीं हम बता देते हैं इसके आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं तो देखो अरेंज द फॉलोइंग आइलैंड्स इन डायरेक्शन ऑफ साउथ टू नॉर्थ तो साउथ टू नॉर्थ मैंने बोला था ध्यान रखना क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम नॉर्थ टू साउथ जमा देते हैं जबकि क्वेश्चन में कुछ उल्टा ही जाता है तो देखो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं सबसे नीचे आता है मॉरिशियस तो मॉरिशियस कौन से नंबर का है थर्ड नंबर का तो सबसे पहले ये वाला कोई और ये वाला ऑप्शन तो कट ही हो गया ठीक है तो सबसे पहले आएगा थ्री मॉरिशियस देन आता है उसके ऊपर आगा लेगा आईलैंड ठीक है तो आगा लेगा इस फर्स्ट तो थ्री के बाद आएगा वन यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया ओके okay. इसके ऊपर आएगा वन के बाद अजमशन आईलैंड जो खुद सेशल्स का है और उसके बाद आएगा सेशल्स ठीक है तो आपका आंसर सी विल बी द करेक्ट आंसर हि ओके देन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ये था हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट Uh, with regard to difference between pardoning powers of governor and president तो गवर्नर और प्रेसिडेंट के बीच में पार्डनिंग पावर्स में क्या डिफरेंस है पहला था कि प्रेसिडेंट पार्डन कर सकता है सेंटेंसिस को कोर्ट मार्शल के लेकिन गवर्नर नहीं कर सकता तो देखो इस वाले स्टेटमेंट में देखो थर्ड वाले में कि गव प्रेसिडेंट जो है वो कोर्ट मार्शल के सेंटेंसिस को पनिशमेंट्स को यहाँ पे पार्डन भी कर सकता है रिप्रीव रिस्पाइट सस्पेंड रेमिट कम्यूट सब कुछ कर सकता है लेकिन सेम पावर्स गवर्नर को नहीं है तो पहला स्टेटमेंट हो जाता है हमारा सही देन प्रेसिडेंट कैन पार्डन डेथ सेंटेंस बट गवर्नर कैन नॉट तो प्रेसिडेंट डेथ सेंटेंस को पार्डन कर सकता है लेकिन गवर्नर uh, नहीं कर सकता ये सही स्टेटमेंट है और थर्ड स्टेटमेंट है प्रेसिडेंट गवर्नर हैव कॉन्करेंट पावर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सस्पेंशन रेमीशन कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस तो देखो डेथ सेंटेंस जो है ना इसको पूरी तरह से पार्डन करना मतलब पार्डन करना मतलब पूरी तरह से मुक्त कर देना सामने वाले पर्सन को कि आपको कोई पनिशमेंट नहीं दे रहे हैं हम ठीक है तो वो वाली पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है लेकिन इस डेथ uh, सेंटेंस को कम करने की सस्पेंड करने की कम्यूट करने की पावर्स गवर्नर के पास भी हैं तो प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों के पास सेम पावर्स हैं इन तीनों चीज़ों को लेकर डेथ सेंटेंस को सस्पेंड करने रेमिट करने या कम्यूट करने की पावर्स तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है थीके? तो वन टू थ्री ऑल आर करेक्ट ओके तो यहां पे आप एक बार रेफर कर सकते हो फॉर मोर इंफॉर्मेशन ओके नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स तो देखो रेमिशन अब इस वाले में देखो पार्टन का मतलब होता है किसी को आपने कंप्लीटली फ्री कर दिया अगर पहले उसको डेथ सेंटेंस मिला हुआ था प्रेसिडेंट या गवर्नर प्रेसिडेंट ने अगर पार्टन किया तो वो कंप्लीटली फ्री है अब उसको कोई सजा नहीं मिलेगी ठीक है देन कम्यूटेशन का मतलब होता है कि टफ पनिशमेंट को आप लाइटर पनिशमेंट में कन्वर्ट कर दो रेमिशन का मतलब होता है आप पीरियड कम कर दो कैरेक्टर सेम रखो पीरियड कम कर दो ठीक है तो यहाँ पे देखो रिड्यूसिंग द पीरियड ऑफ सेंटेंस फर्स्ट वॉज करेक्ट रिस्पाइट का मतलब होता है देखो इसको याद रखना एस स्पेशल ठीक है तो स्पेशल केस का ये सीन होता है कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसका सेंटेंस कम कर देंगे ठीक है तो रिस्पाइट का मतलब है अवॉर्डिंग अ लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ सम स्पेशल इन प्लेस ऑफ ओरिजनली अवॉर्डेड ड्यू टू सम स्पेशल फैक्ट तो किसी स्पेशल फैक्ट के कारण उसका सेंटेंस आपने कम कर दिया दैट इज नोन एज रिस्पाइट देन रिप्रीव रिप्रीव का मतलब होता है स्टे लगा देना तो कभी भी स्पेशली डेथ के केस में आप स्टे लगा देते हो अगर तो दैट इज नोन एज रिप्राइव तो ये भी सही था ऑल थ्री आर करेक्ट यहाँ पे आंसर होगा डी ओके देन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल तो देखो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में पहला स्टेटमेंट गलत है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम का पार्ट नहीं है मैंने कल कल भी बताया था परसों भी बताया था कि ये ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम का पार्ट नहीं है जो हमारी कोर्ट्स होती हैं ना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सेशन कोर्ट ये सब होती हैं ट्रडिशनल जुडिशल सिस्टम का पार्ट और इनको पावर्स मिलती है स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन से एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को पावर मिलती है स्टेच्यूट से यानी कि लॉ से ठीक है उसके बाद दे हैव ओनली पावर्स टू ट्राई केसेस विच आर स्पेशली कन्फर्ड अपॉन देम तो देखो जो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल उसकी हैं उनको जो स्टेच्यूट के थ्रू जो स्पेशल पावर्स मिलते हैं जो स्पेशल केसेस मिलते हैं ट्राई करने के लिए सिर्फ उन्हीं को वो ट्राई कर सकते हैं तो ये सेकेंड स्टेटमेंट सही है ओनली टू वुड बी द करेक्ट आंसर ही ठीक है तो बी यहाँ पे सही आंसर होगा तो इसका सीक्वेंस देख लेते हैं एक बार क्या क्या होगा देखो सबसे पहला था सी देन डी देन डी एंड देन तो सी डी डी बी ये चार आंसर थे सी डी डी बी ओके सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे